लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में युवक पर मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद झाड़ियों में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना मिर्जापुर के चिल्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोगांव की है, जहां गांव के ही युवक जयप्रकाश का शव घर से मात्र 100 मीटर दूर गंगा के किनारे झाड़ियों में मिला। मृत युवक के खिलाफ गाँव की एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था, जिस पर उसके खिलाफ 26 सितम्बर को स्थानीय चिल्ह थाने में तहरीर दी गई थी। अब मालूम नहीं कैसे मरे कि क्या हुआ उनको, या कोई फांसी लगाया वहाँ पर मार के या कोई फेंका। अगर पुलिस इधर छापा पड़ा, मैंने उधर शौचालय के लिए गए दतुईन तोड़ने के लिए, मेरे पास दुर्गंध आई तो फिर मैंने गया वहाँ। इसके बाद फिर मैंने वहाँ गया देखा तो दतुईन नहीं तोड़ा तो दुर्गंध आया, तो मैंने फिर उसको पैर से मैंने हटाया। इसके बाद मैंने करारी में लटका, इसके बाद फिर मैंने देखा तो हाथ का पंजा दिखाया, सिर दिखाया। इसे मेरे डाउट हुआ कि मेरे ये चाचे हैं, मतलब क्या लटके हुए थे, किस चीज़ से अरे गंजी थी उसके पूर के लटकाया गया बनी है। अभी जैसे मैं देखा नहीं तो मैं क्या जानूँ, मतलब अब वो अब क्या मैं बताऊँ सर कि मतलब हो सकता है कि मार के कोई फेंका होगा, अपने से मर गए हैं। अब ये तो कोई दृष्टि है नहीं मेरे पास। अब वो ये पोस्टमार्टम जाएगा मट्टी, इसके बाद होगा तो फिर मालूम चलेगा कि मार के फेंके हैं कि अपने मरे हैं कि जहर खा के मरे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप का दौर चल रहा है, जिसके चलते बाजपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन ने बीजेपी कार्यकर्ता व पूर्व प्रधान पर SC ST का फर्जी मुकदमा लगा दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने कोतवाली का घेराव किया और मामले की जाँच कर मुकदमा खारिज किए जाने की मांग की। बाजपुर विधानसभा के अंदर यशपाल आर्या जो मंत्री महोदय हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ढूंढ ढूंढ के झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं और अपनी तरफ से मुकदमे करा रहे हैं, पुलिस को दबाव में लेकर मुकदमे करा रहे हैं, SC ST Act के मुकदमे कायम करा रहे हैं। इतना जो है अराजकता कभी हमने नहीं देखी है कि इस तरह से मुकदमे जो है यशपाल आर्या खुद जो है कराएं। यशपाल आर्या के खिलाफ भारतीय जनता पार्टियां एकजुट होकर इसको उखाड़ कर मानेगी और पार्टी ने निर्णय लिया है कि एक ही नारे के साथ कि यशपाल भगाओ और बाजपुर बचाओ के साथ जो है पार्टी जो गांव के अंदर एक एक वोटर के पास जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर की तहसील बाजपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी को अंजाम देकर सरलता से फरार हो जाते हैं। वहीं एक डॉक्टर की दुकान पर काम करने वाले की बाइक को चुरा कर सरलता से फरार हो गए, लेकिन ये चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एक और जहां राज्य सरकार पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ की मुहिम चलाती है, वहीं हरदोई जिले के थाना हरियावा में वन विभाग और पुलिस की सरस्पर्धी में धड़ल्ले से हरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। अवैध कटान कराकर लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी का भी भय नहीं है। आपको बता दें कि हरियावा में इन दिनों हरे पेड़ों का कटान जोरों पर किया जा रहा है और इन दबंगों को रोकने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इस मामले में वन विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की गई,
तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। देश में मानवता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह क्रोध उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में देखने को मिला, जहां दो लोगों का झगड़ा छुड़ाने में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से अफरात तफरी मच गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए आजमगढ़ रेफर कर दिया गया। मोहब्बत कर रहे थे ना हमारे दोस्त, खाली हम बच्चा दिए हैं, हम लोग ऐप लगा दिया है, हमको दवाई तीनों जानी बस, खाली हम लोग बचाने गुनहगार हैं। उसी पर बदला निकाल लिए मार के जरा था हमको, अविंदा नीता सोनू प्रीति उसकी माँ उसके बाप, और हम लोग एकदम चढ़ा के रखे हैं नहीं। सेना के ट्रक और मार्शल की हुई भीषण टक्कर में कुल 13 व्यक्ति घायल हुए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। घटना मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के करनपुर पहाड़ी की है। ऐसा है कि इसमें करीब 10 लोग आए थे हादसे की वजह से, जिसमें 6 लोगों को भर्ती किया गया है। 6 लोगों में 2 लोग बनारस रेफर हो गए हैं, जिनको हेड इंजरी थी, लैसरेटेड बोन थे, टिपिकल पोजीशन थी उनकी। एक पेशेंट का स्कल पूरा फ्रैक्चर था, दोनों ईयर से ब्लीडिंग हो रही थी, वो अननोन करके आया है, उसके साथ कोई था नहीं, वो अभी एक एक्सपायर हुआ है। और बाकी तो फिलहाल ठीक है, उनको इंडोर में भर्ती कर दिया गया है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, 2 को रेफर किया। वो ये कह रहे हैं कि मिर्जापुर से ये मार्शल 4 व्हीलर गाड़ी से लालगंज की तरफ जा रहे थे, तो करनपुर पहाड़ी चढ़ने के बाद एक ट्रक लेफ्ट साइड में खड़ा था, तो मार्शल वाले ने ट्रक को ओवरटेक किया, सामने शायद कोई पीएससी की गाड़ी आ रही थी। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताजा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताजा तरीन खबरें।